हम फर्स्ट राउंड में कितना टाइम दें और सेकेंड राउंड के लिए कितना टाइम बचाएं, ठीक है। तो इसकी जो मैं फॉलो करता था स्ट्रेटेजी 50-30-50, तो भाई फर्स्ट राउंड में 50-30-50 कितना हो गया, 130 मिनट्स हो गए। देखो कितना हो गए, ये 130 मिनट्स हो गए। टोटल पेपर कितने का होता है, 180 मिनट्स का होता है, तो बचे कितने 50 मिनट्स बच गए। तो सेकेंड राउंड के लिए भाई 50 मिनट्स बच गए और फर्स्ट राउंड अप्रोक्सीमेटली हमने 130 मिनट्स में कर लिया। 50-30-50 क्या है भाई, तो देखो मैं सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता था भाई, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स, देन बीच में केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स, ठीक है। तो पहले राउंड में फिजिक्स 50 मिनट में जो जो इजी इजी सवाल होते गए वो निपटा लो। जेई मेन और जे एडवांस दोनों में सेम स्ट्रेटजी फॉलो करिए, ठीक है, दोनों के लिए सेम चीज है ये। मतलब मैंने जेई मेन में फॉलो करी थी, जे एडवांस में हमारा तो अलग पैटर्न था थोड़ा सा, पर 50-30-50 एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। आप थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली जो आपको बेस्ट सूट करता है आप वैसे वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसको समझते हैं पहले 50-30-50 क्या है। तो पहले राउंड में फिजिक्स को 50, पहले राउंड में केमिस्ट्री को 30, फिर पहले राउंड में मैथ्स को 50 मिनट्स दिए, ठीक है। तो भाई पहला राउंड इसमें निपटा लिया। इस पे अपन आते हैं, पहले ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं अपन। सर पेपर को सब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए, भाई वो भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखना चाहिए पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। भाई आई वुड से कि भाई पीसीएम या एमसीपी, मैं फिर बता रहा हूं ये जनरल चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझते हैं। आप केमिस्ट्री भी पहले रख सकते हैं, डिपेंड आपका सब्जेक्ट वो कैसा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। देखो भाई केमिस्ट्री को सबसे पहले रखने का पॉइंट मुझे डिसएडवांटेज क्या लगता है कि यार केमिस्ट्री जब हम सबसे पहले रखते हैं ना, तो यार ये एक तो इजी सब्जेक्ट होता है, इजी इन द सेंस नॉन कैलकुलेटिव पार्ट भी रहता है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो इसमें नॉन कैलकुलेटिव है ना। तो हम क्या होता है अगर केमिस्ट्री को सबसे पहले ले लेते ना, तो हमारा माइंड देखो शुरू में जब पेपर करने बैठते तो फ्रेश होता है एकदम, हम उसको केमिस्ट्री में खपा देते हैं जिसमें कि इतना माइंड की जरूरत नहीं रहती है। तो यार जिसमें माइंड की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा भाई, उसमें हमको चीज आती है तो आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो कैलकुलेशन नहीं होते। तो हम क्या करते हैं यार इसमें माइंड फ्रेश, अगर फर्स्ट में केमिस्ट्री ना, तो जब माइंड एकदम फ्रेश है ना, तो फिर केमिस्ट्री में उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरी बात, केमिस्ट्री करने के बाद जब माइंड थोड़ा सा थक चुका है, तो दोनों कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट बाद के लिए बच जाते हैं, दोनों कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट बाद के लिए बच जाते हैं, ठीक है। एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है यार, केमिस्ट्री को हम सबसे पहले लेते हैं ना, तो क्या होता है हम जितना जरूरत होती है ना उससे ज्यादा सोचते हैं, अच्छा यार सोडियम के नीचे ग्रुप में क्या आएगा, यार क्या आएगा क्या आएगा, चार ऑप्शन गिवन है, अच्छा यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, क्योंकि हमें क्या लगता है यार 3 घंटे बच रहे हैं अभी, तो हम इस केमिस्ट्री को आराम 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 से करते हैं, हमारी वो डिफॉल्ट स्पीड बनी नहीं पाती है, क्योंकि हमें क्या लगता है यार अभी तो 3 घंटे बच रहे, पेपर हमने चालू ही करा है, तो ये तेज हो सकती थी केमिस्ट्री, लेकिन हम ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं, हाँ यार ये कंपाउंड ही बनता है ना, हाँ यार ये प्रॉपर्टी होती है ना, 3 बार वेरीफाई करते हैं उस चीज को जबकि जरूरत नहीं होती। इसलिए केमिस्ट्री को इन 2 कारणों से मैं प्रीफर करता हूँ यार पहले ना करें, एक तो फ्रेश माइंड से नॉन कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट उठा रहे हैं और फिर दोनों ये बाद में के लिए बच जाएंगे, तो दिमाग थके हुए दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं जितना जरूरी होता है उससे, ठीक है। तो देखो पीसीएम और या एमसीपी दो बचे भाई, केमिस्ट्री को हमने बीच में रख लिया, आप चाहें तो केमिस्ट्री को लास्ट में भी रख सकते हैं। केमिस्ट्री को बीच में रखने का भी एक एडवांटेज होता है वो बताता हूँ। देखो अच्छा ये पीसीएम और एमसीपी कैसे डिसाइड करते हैं जनरली, देखो जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है पी या एम में से, उसको आप सबसे पहले रखें। फिजिक्स या मैथ्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, उसको आप सबसे पहले रखें, ताकि क्या है जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है हम उससे शुरुआत करते हैं ना, तो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, मतलब कॉन्फिडेंटली पेपर को क्रैक करते हैं। तो अगर आपका फिजिक्स से सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसको रखिए, मैथ्स है तो सबसे इसको रखिए, बीच में केमिस्ट्री रखी हमने और उसके बाद में फिर तीसरा सब्जेक्ट है ना।
ठीक है, बीच में केमिस्ट्री रखने का फायदा क्या होता है वही, फिर अगेन पीसीएम को पकड़ते हैं जैसे अपन, बीच में रखने का एडवांटेज क्या होता है, एक हैवी सब्जेक्ट कर लिया थोड़ा सा, एक कैलकुलेशन हैवी सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा नॉर्मल सब्जेक्ट ले लिया बिना कैलकुलेशन वाला, जिससे थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करने का मौका मिल गया, मतलब कैलकुलेटिव चीज़ थोड़ी सी कम हो गई, फिर वापस से कैलकुलेशन वाली चीज़ उठा ली, तो केमिस्ट्री बीच में रखने का ये फायदा होता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे हमने 50-30-50 स्ट्रेटेजी रखी, तो देखो 50 फिर इसमें 30 फिर इसमें 50, केमिस्ट्री को बीच में रखते ना, तो देखो फिजिक्स को हमने 50 मिनट दे दिए, केमिस्ट्री को 30 मिनट दे दिए, मैथ्स को 50 मिनट दे दिए, या एमसीपी जो भी आप रख रहे हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री को बीच में रखने का ये एडवांटेज है कि 30 मिनट अभी क्या फास्ट हो जाता है सब्जेक्ट। मान लो हमें गलती से फिजिक्स में, सपोज करो हम तो 50-30-50 लेके चले थे, लेकिन जैसा हम सोचते हैं एग्जाम में बिल्कुल वैसा तो होता नहीं, मान लो हमें यार 60 मिनट्स लग गए शुरू में, है ना, 60 मिनट्स लग गए फिजिक्स में, अब केमिस्ट्री क्या है थोड़ा सा पैडिंग की तरह से काम करेगा, हमारे स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करवा देगा केमिस्ट्री, तो क्या होएगा, केमिस्ट्री हम यार 25-30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, तो जितने क्वेश्चन फिजिक्स में कर रहे थे उतने हमने केमिस्ट्री में कर लिए, तो थोड़ी सी पैडिंग मिल गई, थोड़ा सा शुरू में लेट हो गए लेकिन अब केमिस्ट्री ने बचा लिया, अब मन में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, हाँ यार अब डिसेंट नंबर ऑफ मतलब 2/3 पेपर तो मैं देख चुका हूँ, तो केमिस्ट्री को बीच में रखने का ये फायदा होता है कि एक ये फास्ट जो है ना रैपिड फायर राउंड टाइप है ना, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम समय में केमिस्ट्री करवा देता है, समझ गए। तो भाई 50-30-50 पहले राउंड में फिजिक्स या मैथ्स जो उठा रहे हैं सबसे पहले उसको 50 मिनट दो, टफ क्वेश्चंस को मार करते चलो, इजी को सॉल्व करते चलो, जो टफ लग रहा है उसको गोला मार के आगे बढ़ जाओ, फिर केमिस्ट्री को 30 मिनट्स में इजी इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर मैथ्स के 30 मिनट्स में इजी 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 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अब जो टफ बच गए सेकंड राउंड में जो 50 मिनट आपके पास में बच गए, इसमें आपको पता है कि भाई कैसे मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं, कौन कौन से मेरे से हो जाएंगे, अब एक एक क्वेश्चन उड़ाते चलो और अपना कॉलेज इंप्रूव करते चलो, और मन में बोलते चलो यस एक क्वेश्चन और करा एक कॉलेज और इंप्रूव, यस एक क्वेश्चन और करा एक कॉलेज और इंप्रूव, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, पीसीएम लेना है, एमसीपी लेना है, आप पीएमसी भी ले सकते हो, आप एमपीसी भी ले सकते हो, आप केमिस्ट्री भी पहले रख सकते हो, जो आपके साथ में बेस्ट काम करे ना आप वो करना, ये जनरल गाइडलाइंस है। हो सकता है देखो सबके ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है, आप इस स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस करें उसमें से बेस्ट उठाओ। जनरली 2 राउंड सबके लिए, मोस्टली जितने भी लोगों से देखो मैंने बात करी उनके लिए काम करी है 2 राउंड, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ है। तो आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट में ट्राई करके देखो क्या चीज़ आपके साथ में काम करी है। जो भी स्ट्रेटेजी पर आप करो ना, कम से कम उसको 2-3 टेस्ट में तो करना, ऐसे नहीं मैंने एक में ट्राई करी यार मेरे साथ तो काम ही नहीं करी तो छोड़ दी वो स्ट्रेटेजी, नहीं 2-3 टेस्ट में आप ट्राई करो उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आप शुरू के टेस्ट में देखो, जनरली स्ट्रेटेजीज कोई बताता नहीं है, ये अब आपको पता पड़ गई, देखो आपको वो सीक्रेट्स पता पड़ गया जो टॉपर्स के सीक्रेट्स हैं यार, मतलब आप बहुत बड़ी चीज है ये, आप इनको प्रैक्टिस करो, अपनी खुद की डिस्कवरीज करो, यार ऐसा हो रहा है वैसा मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो सकता है शुरू में गलतियां होंगी, हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी को एकदम ही बिगड़ जाए, निराश मत होना, ट्राई करोगे ना तभी नई चीज डिस्कवर होंगी, और धीरे धीरे क्या है आपकी स्ट्रेटेजी सेट होती जाएगी, हाँ यार मेरे लिए ना ये चीज काम कर रही है, फिर उसको और स्ट्रेंथन करते जाओ। तो जो अगर आप 11th में हो तो बहुत काफी चीज ट्राई करो, स्ट्रेटेजीज ट्राई करो अलग अलग, जब जब टेस्ट दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई करो, धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज को फिर स्ट्रीमलाइन करो, हाँ यार मेनली ये चीज काम कर रही है, फिर उसमें ही और इम्प्रूव करते जाओ। लेकिन जब आपका जेई एडवांस या मेन का एग्जाम एकदम पास में हो तो फिर जो आपकी सेट है ना उसी पे स्टिक करके आप एग्जाम देना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन रिकमेंडेड नहीं है, जब जेई एडवांस जेई मेन का एग्जाम पास में होता, आप ऑलरेडी तब तक सेट कर ही चुके हो अपनी स्ट्रेटेजी, तो उस पे स्टिक करके उसको फोड़ना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। मैं देखो क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जेड एडवांस का क्वेश्चन है, रोटेशन का खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमारे लिए क्या है ट्रैप क्वेश्चन सेट करता है, ये ट्रैप क्वेश्चंस क्या हमारा टाइम खींच लेते हैं सारा, हमें लूप में फंसा देते हैं, हमारे 15-20 मिनट खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन।
यार ये क्वेश्चन आप करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं कि कोई मैं बड़ा क्वेश्चन करके आया हूँ तो मेरे को भाई टॉप 10 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये ट्रैप क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल है ट्रैप क्वेश्चन का यार, मोर देन 1 करेक्ट था और इसमें ABCD ऑप्शन इतना ज़्यादा इसमें सॉल्व करा रहे हैं, ये दो ऐसे घूम रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इनको भैया पहले राउंड में नमस्ते बोल के या मार कर दो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 था ये या क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको मार करके कि भाई तुम आगे चलो, हम भैया अभी तुमको उलझने वाले नहीं हैं, बाद में देखेंगे, है ना। इतना लो स्कोरिंग पेपर होता है जे एडवांस का यार, 30% पे 10,000 रैंक आए थे, आप सोच के देखो। जस्ट यू हैव टू सॉल्व करेक्टली 3 questions out of 10, एक भी नेगेटिव नहीं करना, तो 3 question 10 में सॉल्व हो रहे हैं, 4 कर लेना यार तो 10,000 तो रैंक आ ही जाएगी। आप समझ रहे हो मतलब इतना लो स्कोरिंग पेपर में तो ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना इनको दूर से ही भैया। 100% मार्क्स जे एडवांस में अभी तक तो किसी के नहीं आए हैं, उस पर नहीं आते यार जे एडवांस में 100% मार्क्स, ठीक है। तो ट्रैप्स को देख के नमस्ते करके निकल लेना, ठीक है। तो बच्चों आप अपनी बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी जो है, आप अपनी बेस्ट फिट जो आपके साथ में बेस्ट काम करे ना, वो स्ट्रेटेजी ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। 2 राउंड स्ट्रेटेजी जनरली काम करती है आपके साथ, देखो क्या सीक्वेंस काम करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपके साथ में काम करती है उसको लगाओ। आप 50-30-50 के बदले कुछ अपनी भी डिवाइस कर सकते हो, जैसे भाई मैं तो 55-30-50 ऐसे दूंगा या 45-30-50 ऐसे दूंगा, जो भी हो वो आप देख सकते हो जो भी आपके साथ में बेस्ट फिट काम करती है, ठीक है। बट मेक श्योर आपकी अपनी एक टेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने आपको काफी सारे टॉपर्स की बताई, मेरी भी स्ट्रेटजी बताई, मैंने इस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करी थी जेईई मेन के एग्जाम में, एडवांस हमारा अलग ही पैटर्न था, ठीक है। और मोस्टली टॉपर्स 2 राउंड में पेपर करते हैं, तो मेक योर टेस्ट स्ट्रेटजी। चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, मचा दो।